प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यान अंश, परमेश्वर जानता है हम एहसास करते हैं। 25 सितंबर 2021। दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। भजन 42:8। पूर्ण पराजित महसूस करते हुए सिमरा अपने पुत्र की नशे से लड़ाई से अत्यंत दुखित थी। मैं बुरा महसूस करती हूँ, वह बोली। क्या परमेश्वर सोचता है कि मेरे पास विश्वास नहीं है क्योंकि मैं प्रार्थना करते समय अपने आंसू नहीं रोक सकती? मैं नहीं जानता कि परमेश्वर क्या सोचता है, मैंने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह वास्तविक भावनाओं को संभाल सकता है। यह ऐसा नहीं है कि वह हमारी भावनाओं को नहीं जानता है। मैंने प्रार्थना की और सिमरा के साथ आंसू बहाए जब हमने उसके बेटे के छुटकारे के लिए विनती की। बाइबल में परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करते हुए अनेक लोगों का उदाहरण निहित है जब वे संघर्ष कर रहे थे। भजन 42 का लेखक परमेश्वर की शांति की निरंतर और शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव करने के लिए गहरी इच्छा प्रकट करता है। उसने जो दुख सहा उसके लिए अपने आंसू और उदासी को स्वीकार करता है। जब वह खुद को परमेश्वर की विश्वास योग्यता का याद दिलाता है, उसका आंतरिक उथल पुथल कम होता है और भरोसेमंद प्रशंसा के साथ प्रवाहित होता है और भरोसेमंद प्रशंसा के साथ प्रवाहित होता है अपने प्राण को उत्साहित करते हुए भजनकार लिखता है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। 11। वह परमेश्वर के बारे में क्या सच है और अपनी अभिभूत करने वाली भावनाओं की निर्विवाद वास्तविकताओं के बीच आगे पीछे खींचा जाता है। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में और भावनाओं के साथ अभिकल्पित किया है। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में और भावनाओं के साथ अभिकल्पित किया है। दूसरों के लिए हमारे आंसू गहरा प्रेम और तरस प्रकट करते हैं। जरूरी नहीं कि विश्वास की कमी, हम परमेश्वर तक अपने कच्चे गांव अथवा पुराने दाग लेकर जा सकते हैं क्योंकि वह जानता है कि हम आभास करते हैं। हर एक प्रार्थना, चाहे वह शांत सिसकती हुई या भरोसे के साथ ऊंची आवाज़ में है, सुनने और हमारी देखभाल की उसकी प्रतिज्ञा में हमारे भरोसे को प्रदर्शित करती है। आपने परमेश्वर से किस भावना को छिपाने की कोशिश की है? क्यों कठिन या अभिभूत करने वाली भावनाओं के बारे में परमेश्वर के साथ ईमानदार होना अक्सर कठिन क्यों होता है? अपरिवर्तनीय पिता, मुझे विश्वास दिलाने के लिए धन्यवाद कि आप जानते हैं कि मुझे लगता है और मुझे अपनी बदलती भावनाओं को संसाधित करने की आवश्यकता है। लेखक सोचिटल डिक्सन।